पालिका अध्यक्ष के कार्यालय में लगी पनघटों व ट्यूबवेलों का किया सत्यापन। नगर पालिका भिंडर में पूर्व पालिका अध्यक्ष गोवर्धन भोई द्वारा किए गए कार्यों को लेकर वर्तमान अध्यक्ष हेमंत साहू सहित पार्षदों द्वारा पुराने मामलों में हुए अनियमितताओं की परतों को खोलकर जनता के सामने लाया गया। पार्षद प्रतिनिधि एवं अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का जायजा लिया एवं बोरिंग से ट्यूबवेल निकाली गई तथा बोरिंग की गहराई देखी तो वह 240 फीट ही निकली, जबकि खुदाई का बिल 300 फीट से ज्यादा का पास हुआ, जिस पर पाइप केबल व अन्य सामग्री का भी भुगतान से मिलान किया गया तो सामने आया कि केबल 35 फीट, पाइप 15 फीट, रस्सी 30 फीट, सर्विस केबल 180 फीट कम पाई गई। साथ ही बाजार दर से सामग्री की दरें अधिक पाई गई तो वही ट्यूबवेल मोटर बिल में दर्शाई गई कंपनी से दूसरी कंपनी की उतारी हुई थी, जिसकी वास्तविक दर से दुगनी दर का बिल भुगतान किया गया। उक्त बिलों की राशि एवं मौके पर मौजूद सामग्री में अंतर आने पर पूरा दल वार्ड क्रमांक 7 नरसी कॉलोनी में लगी हुई पनघट की जाँच करने के लिए मौके पर पहुंचा, जहाँ पर नगर पालिका से कनिष्ठ लिपिक को भी बुलाया गया तथा पालिका कर्मचारियों की मदद से पनघट के बोरिंग से ट्यूबवेल मोटर पाइप रस्सी केबल निकाली गई। साथ ही लोहे के पनघट स्टैंड को खोलकर उसका भी मौके पर वजन मशीन मंगवाकर वजन किया गया। देखिए पूरी खबर संवाददाता अशफाक हुसैन, उदयपुर, राजस्थान। वार्ड 5 में पानी की समस्या होने की शिकायत आने पर हम सभी मिस्त्री को लेकर मौके पर गए तथा ट्यूबवेल से मोटर निकलवाई, जिसमें भारी घपला सामने आया है। उसके बाद वार्ड 7 में भी जांच की, जिसमें भी सामग्री कम लगाकर अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिससे पालिका राजस्व को नुकसान हुआ है। पूर्व पालिका अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई ने पालिका बिलों में कमीशनखोरी करते हुए घटिया सामग्री क्रय कर खूब बढ़ने में कोई कसर नहीं रखी। सभी पनघटों को जल्द ही जांच करवा घपलेबाजों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा।